ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष शायद यादव साहब, अतिथि विशेष के रूप में विराज राजेंद्र जी सेन साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर, बैन सिंह जी जो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर, और हमारे यहाँ की प्रभारी मोदीपा सांकला जी, कामिनी मुंजल जी, हमारे जिले के देहात के अध्यक्ष नाथ सिंह जी झाला साहब, ओबीसी वर्ग के देहात के अध्यक्ष श्री कमलेश जी, शहर के अध्यक्ष श्री राजेश जी, शहर के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, सोमेश्वर जी, श्री कमल जी, पूरन जी, प्रदेश वास जी, सोहन जी, प्रधान जी, हेलो मंच पे विराजित जिले के समस्त पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और सामने विराजित ओबीसी वर्ग के सारे जिले के पदाधिकारी, लोगों के अध्यक्षगण, मंडलों के अध्यक्षगण और पूरे संभाग से पधारे हुए जिलों के अध्यक्षगण, हम सबका इस सभागार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वक्ताओं ने अपनी बातें कही और बहुत अच्छी तरह समझाया कि यह कांग्रेस पार्टी का ओबीसी वर्ग का एक सम्मेलन है। निश्चित तौर से आज की इस बैठक में उपस्थित आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमको इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय में ये समझना पड़ेगा कि आज ओबीसी वर्ग की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और क्यों करें, क्योंकि हमको ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि सरकारें देश के अंदर सरकार को भी देख रहे हैं और प्रदेश की सरकारें भी देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सी सरकारें क्या क्या योजना किस किस वर्ग के लिए लेके आ रही है। हम भाषण देते हैं, अरे सारे नेता हम जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत सरकार क्या कर रही है, कैसे उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है, गरीब को भूल करके पैसे वालों को मदद कैसे कर रही है, कैसे घोटाले करके लोग भागने पास सही। हम राज्य सरकार की भी बात कर रहे हैं और सभी वक्ताओं ने हमारी वर्तमान सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की योजनाओं की खूब बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करी कि ऐसा ना मुख्यमंत्री कभी दे सकता है। जितनी योजना है गरीबों को ध्यान में रखकर, खास करके किसानों को ध्यान में रखकर के जो योजना बनी है, महिलाओं को ध्यान में रखकर के जो योजना बनी है, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर के जो योजना बनी है, ये सारी बातें तो सही है, लेकिन हम जिम्मेदार कार्यकर्ता इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ओबीसी वर्ग के जो लोग बिगड़े हुए हैं, और ये कहना मुझे कोई संदेह नहीं इस संवाद के अंदर ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा भाग भाजपा से जुड़ा, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ। तो साथियों हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां रिजर्व सीटें हैं वहां निर्णायक वोट हमारा है, जहां रिजर्व सीट है वहां निर्णायक वोट हमारा, लेकिन हम इतने विभाजित हैं कि नहीं जाते हुए भी वहां बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता, हमारा प्रत्याशी हार जाता। हम बात सरकार को ताकत देने की करते हैं, हम बात कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजना के बड़े करने की करते हैं, लेकिन हमारा ओबीसी वर्ग जो छोटे छोटे समूह में है, कहीं कोई जाति ज्यादा संख्या में है तो कहीं कोई जाति ज्यादा संख्या में है, लगभग देश के अंदर भी कम जातियां होगी, लेकिन जैसे कोई पंचायती फरमा रहे थे कि हमारे संभाग में हमारी बांसवाड़ा में इतनी जाति है, सही है, वो छोटी छोटी जातियां ऐसे बिगड़ी हुई है कि वहां के जो स्थानीय नेता है बीजेपी के, उनके प्रभाव में वो उनके साथ में बीजेपी में चले जाते, वो ये विचार नहीं करते कि भाई हमारे लिए, हमारे ईश्वर के लिए कौन विचार करने वाला है, हमारे ईश्वर को ताकत देने वाला कौन है। अरे भाई हम अपने मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, अशोक जी गहलोत जो खुद हमारे वर्ग से आते हैं, लेकिन हमें से किसी ने ये संदर्भ लेने की कोशिश की यार भी हमारे वर्ग का एक मुख्यमंत्री है जिसको बदनाम करने की, जिनकी योजनाओं को फेल करने की सारी प्लानिंगें कर रही है बीजेपी वाले कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। तो हमने ओबीसी के लोग उठ खड़े हुए पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ, और ये करके बतावे, रिजल्ट देके बतावे भाई हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री चौथी बार रिपीट होगा, मुख्यमंत्री बने, ये ताकत हमने होगी। आपने देखा कर्नाटक में चुनाव हुआ, कौन है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की, कुरुबा जाति के जो ओबीसी वर्ग से आते। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई जातिवाद या वो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें यह समझना पड़ेगा कि बिना हमारे कहे भी कांग्रेस पार्टी किस वर्ग को
ज्यादा कबूल तो देते हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो संख्या में ज्यादा वो खुद ही खुद को आगे बढ़ाने के लिए तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन हम यदि इस चीज को नहीं समझे, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम गांव में जाएं और हमारी ओबीसी वर्ग के जो लोग दूसरी पार्टियों के साथ में, उनको ये समझाने का प्रयास करें, ये उदाहरण देने का प्रयास करें कि विदेश के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बाकी मैं आपका एक विधायक इनके बता सकता हूँ, उनके संगठन के पदाधिकारी करके बता सकता हूँ कि ओबीसी वर्ग कहाँ उपेक्षित है और बाकी लोगों का कितना महत्व दिया गया है। लेकिन हमको समझने की जरूरत है, ओबीसी वर्ग को समझाने की जरूरत है। और जब ओबीसी वर्ग एकजुट हो जाएगा तो कोई कारण नहीं होगा कि ये योगदेवपुर संभाग है जिसमें पिछली बार कांग्रेस की कम सीटें आई, इस बार पूरा का पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का पूरा उदयपुर संभाग में। आपने देखा होगा कितनी बार उदयपुर संभाग में